नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, हितकर, सलाहकार। एंड आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो उनके लिए है। देखो क्या है, अमीरों के पास तो बहुत ऑप्शन होते हैं, बट बेसिकली जो मीडियम फैमिली से हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, या फिर जो पुअर लोग हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिसके फादर के पास पैसा है या जिनकी पहले की प्रॉपर्टी है, वो तो सर्वाइव करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मतलब दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। प्रॉब्लम यहाँ आती है जो मीडियम क्लास के हैं, वो जिनके पेरेंट्स लेबर बैकग्राउंड से है, या फिर जो एक किसी मामूली सी कंपनी में काम करते हैं, 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। ये वीडियो मेनली आज उनके लिए है। और बाकी अगर जिनके पास पैसा है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि दोस्तों लाइफ में ज़रूरी क्या है। आप अपने आप को कभी छोटा मत समझो। मैं मानता हूँ कि हमारी हालत जो 12th के बाद है, बहुत बुरी हो जाती है। हमें बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर देना पड़ जाता है। हर तरीके से हम अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश करते हैं, मगर कर नहीं पाते हैं। लेकिन हम चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि हमने 10th 12th ऐसे ही निकाल दी, टाइम ऐसे ही निकल गया। अब इस कोविड के टाइम में तो समय ऐसे ही निकल जाता है। तो आपको कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस दुनिया में अमीर गरीब ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आप इतिहास उठाओगे, जिन जिस बंदों ने इतिहास लिखा है, धीरू भाई अंबानी ले लो या अब्राहम लिंकन ले लो, अगर उनकी पास्ट हिस्ट्रीज वगैरह में जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मेहनत इंसान का किस लेवल से ले जाती है। अब कहीं बोलते हैं सर हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, कहीं बोलते हैं सर हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, कहीं बोलते हैं कि सर हमारे परसेंटेज बहुत कम है। दोस्तों बहाना लगाने को बहुत है। अगर कम है तो अभी आपके पास उम्र है, अभी भी अपने आप को सुधार सकते हैं। पहले क्या होता था कि शिपिंग इंडस्ट्री में जो है, शिपिंग लाइन है, ये कोई इतनी अच्छी लाइन नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बहुत बढ़िया लाइन है। इसमें दोस्तों आपको घर से बाहर रहना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मज़े करने जा रहे हो चाहे घूमने जा रहे हो। यहाँ पे आपको काम करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत मेहनत, संघर्ष और सही रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। इसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया था सेलर एंकर, क्योंकि मैं व्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ। मेरे पास बहुत वीडियो है यार। ये देखो, ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है इधर, यहाँ पर रखा हुआ है लैपटॉप मेरा, ये जो है सोनी का। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बट मैं वो अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो मेन इंटेंशन है, वो लोगों को सही रास्ता दिखाना है। न्यूयॉर्क, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो आप वह कोई भी मूवीज़ में देख सकते हो, या बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिनको पैसे कमाने हैं, वो ऐसा काम करते हैं। बट दोस्तों गाइज, मेरा इंटेंशन पैसा कमाना कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूबों को, यूट्यूब के थ्रू लोगों को सही जागरूक दिखाना। मेरे पास ऐसे बंदों के मैसेजेज आते हैं, सर आपने हमें फंसने से बचा लिया, सर आपकी वजह से हमारा यहाँ सिलेक्शन हो गया। देख के अच्छा लगता है यार, मेरी वजह से कम लोगों का भला तो हो रहा है, मैं सही रास्ता तो दिखा रहा हूँ। बिकॉज एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रास्ता दिखाने वाला सबसे महान होता है। अगर आपको सही रास्ता शुरू में दिखा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सी फेरर है जिनको गलत रास्ता दिखाया गया, जिनको शिपिंग बारे में पता नहीं है, एजेंटों के चक्कर में फंस गए, पैसे फंस गए, रोते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते रहते हैं। तो गाइस, इन सब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। तो आप इस मेरी जो वीडियोस है, हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार चार पंडित होते हैं और एक उनमें से एक छोटा सा, कोई छोटी कास्ट का होता है, शूद्र कास्ट का होता है। तो दोस्तों गाइज, पंडित मैं भी हूँ, बट मेरे मन में ऐसा कभी फीलिंग नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूँ या बहुत महान हूँ। पंडित हो गए तो कौन सी बहुत बड़ी तीर मार ली, हम सब एक हैं, सबका ब्लड का कलर रेड होता है। तो ये पांच पंडित और वो आदमी कहीं घूमने गए, अचानक से मौसम बहुत ख़राब हुआ, एक पर्वत के पास गए थे, बिजली की बारिश चमकने लगी, बहुत बहुत तेज़ आंधियाँ चलने लगी और बिजलियाँ चमकने लग गई। तो रास्ते में इन्होंने देखा एक पहाड़ था और थोड़ी सी दूर एक पेड़ था। तो ये पांचों बार बार जो वो छोटी कास्ट वाला था उसको कोसने लग गए कि भाई ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मनुष्य हो, तुम ऐसे आ गए, इसके लिए हमें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो बेचारा डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ा था, बाबूजी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, बट वो पांचों उसका तिरस्कार कर रहे थे, उसकी बेइज्जती कर रहे थे। तभी वो पेड़, एक जो आम का पेड़ था, वहाँ पे एक बिजली चमकती थी। इन पांचों ने कहा कि तुम जाओ और उस पेड़ के चक्कर काट के आओ, अगर तुम वापस आ गए तो हम समझेंगे कि तुम्हारी गलती नहीं है, अगर वापस नहीं आए तुम वहीं पर मर जाओगे तो हम समझेंगे कि यही हमारे में मनुष्य था। तो अब ये डरने लग गए। इसने बोला बाबूजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे वहाँ मत भेजिए, मुझे वहाँ मत भेजिए। ये माने नहीं, परंतु फिर भी वो आदमी गया नहीं। तो इन पांचों पंडित को अपनी उस पर बहुत प्राउड था। तो पहला पंडित बोला मैं जाके वापस आता हूँ, वो पेड़ के चक्कर लगा करके वापस आ गया।
उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरा पंडित गया, वो भी पेड़ के चक्कर लगा के वापस आ गया, उसको भी कुछ नहीं हुआ। सिमिलरली तीसरा पंडित गया, चौथा पंडित गया और पांचवा पंडित गया, पांचों उस पेड़ के चक्कर लगा के वापस आ गए, परंतु पांचों को कुछ भी नहीं हुआ। अब उन पांचों ने कहा, देखा देखा हम कितने महान हैं, अब जा तू, जा तेरी वजह से हो रहा है, तू जा और उस पेड़ का चक्कर लगा के आ। ये फिर भी डरा डरा सहमा हुआ, वो जा वहाँ पर गया, पेड़ के पास जैसे ही गया वहाँ पे कस के बिजली चमकी, लेकिन वो पेड़ के पास नहीं चमकी, वो बिजली इन पांचों लोग पंडितों के ऊपर गिर गई और इन पांचों पंडितों की डेथ हो गई। इस कहानी का मोरल ये है कि ये उसकी वजह से, जो ये जो गरीब आदमी था उसकी वजह से ये पांचों बचे हुए थे। तो दोस्तों आपको कभी किसी को छोटा नहीं समझना है, आप कभी ऐसा मत सोचिए, अभी कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, क्यों चल रही है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, मगर उनको कितना मिलता है, उसका 0.1% भी नहीं मिलता। तो आप भी कल को किसी ऐसे मुकाम पे पहुँच जाए या किसी ऐसी पोजीशन में पहुँच जाए, क्योंकि मेरे बहुत ऐसे फॉलोवर हैं जो यूपीएससी लेवल के हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं, इसमें बहुत आईएएस आईपीएस भी हैं, दे आर मैसेजिंग मी कि अभिषेक यू आर डूइंग वेरी गुड एंड बहुत अच्छा कर रहे हो, नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो, सबको दे रहे हो, तो अच्छा लगता है, चलो एटलीस्ट मेरी वजह से लोगों का भला हो रहा है। तो गाइज मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप मर्चेंट नेवी में भी जाते हो तो प्रॉपर तरीके के साथ जाइए, प्रोसीजर के साथ जाइए, लोगों की बातों में मत आइए, एजेंट के चक्कर में मत आइए, यूट्यूब वीडियो फालतू की वीडियो मत देखिए कि हाँ यहाँ घूम रहा है वहाँ, ये देख के आपका माइंड और डिस्ट्रैक्ट होगा कि यार ये देखो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आप चाहो तो अपने फैमिली का इतिहास बदल सकते हो, दी शिपिंग लाइन इज़ नॉट बैड, इट इज़ वेरी गुड, बट ये उनके लिए अच्छा है जो बहुत मेहनती हैं, बहुत संघर्ष करना जानते हैं, ये इतना ईजी नहीं है मेरे दोस्त। दिखने में लगता है कि शिपिंग लाइन में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे काम करोगे तब पता चलेगा, फैमिली को छोड़ के रहना पड़ता है, समुंदर में रहना पड़ता है, शिप में रहना पड़ता है। पहले तो शोर लीव वगैरह में, पोर्ट वगैरह में बाहर घूमने को मिलता था, परंतु अभी कोविड की वजह से वो सब भी बंद हो गया। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियोज़ देखिए, ठीक है आप गरीब हैं, गरीब है तो क्या हुआ, मैंने इससे पहले की पार्ट 1 वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी, मोर देन 22,000 लोग देख चुके हैं उसको, कि मर्चेंट नेवी जाने में 1 भी रुपया नहीं लगता, उसका पार्ट 2 भी बनाया, तो ये सब वीडियोस देखिए, इनसे आपको काफ़ी नॉलेजेस मिलेगी, क्योंकि एक बार अगर आप गलत चक्कर में फंस गए उसके बाद मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 4 लाख लूट लिए, सुन के बहुत दुख होता है, परंतु उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ एक बार अगर आपके किसी ने पैसे ले लिए, अब उस बंदे को ढूंढते ढूंढते आपकी पूरा ज़िंदगी, पूरी लाइफ निकल जाएगी, आपके पेरेंट्स ने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, इतनी संघर्षों से आपको ये पैसा दिया है, तो उसका गलत उपयोग मत करिए। अब अगर चलो ठीक है आपने एजुकेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं करी, अब करिए ना, अभी भी आपके पास टाइम है, 1 ईयर है, ज़रूरी है आज ही भर्ती होना, आप 2 साल बाद एडमिशन लीजिए, 3 साल बाद एडमिशन लीजिए, एज तो 25 तक है ना मेरे दोस्त, अच्छे से एडमिशन लोगे भाई तभी तो जाओगे ना, अगर इतनी कम मतलब गलत तरीके से लेके कोई फ़ायदा नहीं, प्रॉपर स्पॉन्सरशिप लेके जाइए। कुछ लोगों का है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, तो देख भाई माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, नहीं आती तो अब सीख लो, पढ़ो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह पढ़ो, ये मिरर के सामने बोलो, आपस में ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो उसमें कुछ है नहीं, और इतना ज़्यादा भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन बोर्ड सीख जाते हैं। आप बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं जो इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, तो आप घबरा जाते हो कि ऐसा है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कहते हैं ना एक बार अगर नसीब बदल जाएगा तो फिर कोई नहीं जानता, तो दोस्तों मेरी ये बात याद रखना, और आप अपना कमेंट वगैरह दिया करो, मुझे अच्छा लगता है आपकी कुछ प्रॉब्लम है, लाइक्स डिसलाइक भी अगर करते हो कि वीडियो पसंद नहीं आई, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इतने लोगों को पसंद नहीं आई है, या मैं बहुत फालतू की बकवास कर रहा हूँ, या मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइज ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, एंड मेरी बेस्ट विशेज ऑलवेज आप लोगों के साथ है। हाँ और एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी निगेटिव पॉइंट्स में मत जाइए, कभी डीमोटिवेट मत करिए अपने आप को, कभी नीचा मत सोचिए कि हाँ हम मैं बहुत नीचे हूँ, बैकग्राउंड लो है, क्योंकि एक बार अगर आप निगेटिविटी में चले जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद वापस से कम बैक आना बहुत टफ हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपनी मेहनत और संघर्ष को बराबर बरकरार रखना है, आप हर तरीके से सक्सेस हैं, आप अपने आप को कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, सक्सेस इज़ मोर वैल्यूबल मोस्ट बाई दोज हु डज नॉट सक्सीड, नेक्टर इज रियलाइज मोस्ट बाई पर्सन हु इज़ वेरी थर्स्टी एंड हु अर्न्स फॉर इट।
सॉरी, वो थोड़ा वॉकी टॉकी बोलो पे उनको चालू कॉल आ करने गया को था, बोलो। मैं शिफ्ट पे हूँ। तो गाइज इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो ठंडे माइंड से जाइए, पूजा वगैरह करके जाइए। देखो पूजा प्रार्थना, मैं बिलीव करता हूँ भगवान पे, बहुत लोग होते हैं कि भगवान नहीं है, ये नहीं है, भगवान है, लेकिन आप भगवान का सही उपयोग करिए, उसका गलत उपयोग मत करिए। नहीं कि हर पल आपको भगवान बचा लेंगे या भगवान की कृपा से हो जाएगा, नहीं, आपकी मेहनत आपको चेंज करेगी। मेहनत करने से ही आदमी आगे बढ़ता है। ये लोगों की गलत मेंटिटी है कि सब कुछ आपको टेबल पे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।